नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोल्टू और आप देख रहे हैं हमारा OMG बिहारी, एक नया यूट्यूब चैनल। इसमें बिहार और मुजफ्फरपुर से संबंधित वीडियो ब्लॉग्स बनाते रहता हूं। इस वीडियो में आपको 19 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाई जा रही है उसके बारे में कुछ खबरें बताता हूं। जल जीवन हरियाली, शराबबंदी, दहेज प्रथा व बाल विवाह उन्मूलन पर 19 जनवरी को मानव श्रृंखला के लिए सभी जिलों में मंगलवार तक 10.51 लाख नारा लेखन पूरे हो चुके हैं। मैं भी मुसहरी ब्लॉक की ओर जा रहा था तो सोचा इस विषय पे कुछ आप सबको जानकारी दी जाए। सभी जिलों में 2930 वॉल पेंटिंग का लक्ष्य है, जो 1533 वॉल पेंटिंग्स हो चुके हैं अभी तक। सभी विभागों के अधिकारियों को मानव श्रृंखला के लिए जिम्मेदारी तय की जा चुकी है। राज्य में इस साल लगभग 16,200 किलोमीटर में मानव श्रृंखला बनाने का लक्ष्य है। हर वार्ड में कम से कम 100 लोगों की मानव श्रृंखला बनाने के लिए वार्ड सदस्यों को कहा गया है। इसके लिए प्रखंड स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री स्वयं 19 को गांधी मैदान में मानव श्रृंखला का हिस्सा बनेंगे। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि गरीब राज्य और इतनी धनी आबादी होने के बावजूद यहाँ मानव श्रृंखला बनाना बड़ी बात है। पर्यावरण के प्रति यहाँ के लोगों की यह कोशिश है जो बड़ी श्रृंखला के रूप में दिखेगा। यह मानव श्रृंखला पर्यावरण के लिहाज से बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। सभी जिलाधिकारी और अन्य पदाधिकारी को निर्देश है एक एक चीज का ठीक से आकलन करें। ठंड के मौसम में लोगों के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। एक अनुमान है कि 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की जानकारी के अनुसार 16,351 किलोमीटर की लंबाई मानव श्रृंखला की होगी। इसमें 5,052 किलोमीटर मुख्य मार्ग, 11,299 किलोमीटर उपमार्ग और 2,000 लोग प्रति किलोमीटर की दर से 3,27,00,000 लोग शामिल होंगे। आप देख सकते हैं मुसहरी ब्लॉक पहुंच गया हूं। यहां भी मानव श्रृंखला को लेकर उत्साह का माहौल है। ये अंचल कार्यालय है और यहां आप देख सकते हैं वातावरण मानव श्रृंखला के लिए उत्साह वर्धन से कम नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 19 जनवरी को बनने वाली राज्य व्यापी मानव श्रृंखला पर्यावरण के प्रति जागरूकता को प्रदर्शित करेगी। जलवायु में हो रहे परिवर्तन में अपनी सजगता दिखाने के लिए लोग एकजुट होकर मानव श्रृंखला बना रहे हैं। पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मानव श्रृंखला में लोगों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ख्याल रखें। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यस्त रहता है, जब तक लोग घर तक नहीं पहुंच जाएं, यातायात के बेहतर संचालन के लिए निगरानी करें। रविवार के दिन होने के बावजूद स्कूल और सभी सरकारी कार्य खुले रहेंगे। कक्षा 1 से 4 के बच्चे स्कूल के अहाते में मानव श्रृंखला बनाएंगे। मार्ग के बाईं ओर खड़ा होने के लिए ही स्थान को चिन्हित किया गया है। प्रति किलोमीटर पर पेयजल की व्यवस्था होगी। आप देख सकते हैं मुसहरी ब्लॉक में भी जोरों की तैयारी चल रही है मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए। मानव श्रृंखला बनाने से क्या संदेश जाएगा, क्या जागरूकता पैदा होगी, ये कहना मुश्किल है। पर लोगों की सबसे बड़ी जरूरत आज के दिन में रोजगार की है और अच्छी शिक्षा व्यवस्था तथा स्वास्थ्य की है। ब्लॉक के मुख्य दरवाजे पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे जीरोक्स मशीन रखकर लोग अपनी रोजगार, अपनी पेट पालने के लिए मजबूर हैं। इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। आपने थाने की भी तस्वीर देखी, ये सड़क की तस्वीर है। हर ओर छोटे छोटे खोमचे वगैरह लगे हैं। हम लोगों को छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने की ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।